अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं आपको विज़िट कराऊंगा ये सवा कनाल पे बना हुआ 9 बेडरूम डबल यूनिट हाउस। लोकेशन की अगर बात करेंगे तो बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी जो है घर की लोकेशन है। 9 बेडरूम्स की जो है अकोमोडेशन है, प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है ये। ये आप देख सकते हैं घर का फ्रंट एलिवेशन, जिसपे खूबसूरत 2-टोन कलर्स में ग्राफी का यूज़ हुआ है, ब्राउन कलर कॉम्बिनेशन के साथ ऑफ वाइट कलर कॉम्बिनेशन में। इसके फ्रंट एलिवेशन को आप देख सकते हैं डिज़ाइन किया हुआ। मूव करेंगे जो एक्सटर्नल लॉन है इसका, उसको खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है। प्लस जो घर का जो गेट है आप देख सकते हैं, जो फेंस है टेरिस की उसके साथ मैचिंग कलर कॉम्बिनेशन में घर के गेट को डिज़ाइन किया हुआ है। फेंस पे आप देख सकते हैं इसकी जो ग्लास यूज़ हुआ है उसको खूबसूरत जो है फ्लावर्स में जो है उसको डिज़ाइन किया हुआ है। 9 बेडरूम हाउस है ये। सवा कनाल के जो है प्लॉट पे घर को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी जो है इसकी लोकेशन है। मूव करेंगे घर के ग्राउंड फ्लोर की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें। घर की जो फर्दर स्पेशलिटीज़ है मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। एंटर होते साथ ही बिल्कुल राइट साइड अगर आप देखें तो इसका खूबसूरत जो है ग्रीन एरिया, जो इसका मिनी गार्डन है इनसाइड। पोर्च की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी सीलिंग पे जो है वार्म लाइट का यूज़ हुआ है। प्लस मैं आपको बताऊं कि इजीली 2 बड़ी और 3 छोटी गाड़ियों की जो है पार्किंग की जो है एक्सेस है यहाँ पे। मैं आपको इसका टोटल वाइड एंगल से जो है इसका विजिट। साइड गैलरी की तरफ मूव करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी जो एक्सेस है टूवर्ड्स फर्स्ट फ्लोर जो सेपरेट है। अगर आप इसको रेंट आउट भी कर सकते हैं। इसका लॉन्ड्री एरिया 25 मरले के जो है इस प्लॉट पे घर को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। किचन का जो है डर्टी किचन का जो डोर है, बैक गैलरी की तरफ मूव करेंगे, ये आप देख सकते हैं बैक से भी जो है इसकी बैक गैलरी से एक्सेस है इसकी जो डोर। यहाँ पे भी एक लॉन्ड्री एरिया है इसका। प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें, चैनल पे कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो पर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन, लेटेस्ट प्रॉपर्टी की अपडेट्स आपको टाइम से मिलती रहें। मूव करेंगे इससे ग्राउंड फ्लोर की तरफ। अच्छा तो व्यूअर्स, जो इसकी एंट्रेंस है वो एक ही आप देख सकते हैं। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है ग्राउंड फ्लोर की, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो वुड है येलो पाइन वुड का यूज़ हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ कि देख सकते हैं सफाई से जो है इसकी फिनिशिंग हुई हुई है, जो वुड वर्क हुआ है घर में। 5 बेडरूम्स की जो अकोमोडेशन है इससे ग्राउंड फ्लोर पर है। एंटर होते साथ ही आप देख सकते हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड पर अगर आप बात करें तो इसके फर्स्ट फ्लोर की एक्सेस है। यहाँ से जो साइड गैलरी से इसका डोर है वहाँ से ओपन हो रहा है। इसको आप फ्यूचर में जो रेंट आउट भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है ये। राइट साइड पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इसका जो ड्राइंग रूम है। सीलिंग पे आप देख सकते हैं वुडन टेक्सचर में इसको स्टाइल किया, डिज़ाइन किया हुआ। अच्छा तो व्यूअर्स, ये जो है एक एंड यूजर का घर है, ये घर किसी बिल्डर ने नहीं बनाया हुआ। वॉल पेपर आप देख सकते हैं, प्लस इसमें जो वुडन टेक्सचर में टाइल का यूज हुआ है फ्लोरिंग पे। फर्दर मूव करते हैं डाइनिंग रूम की तरफ। इसके आप देख सकते हैं इसकी सीलिंग पे जो कलर कॉम्बिनेशन है वॉलपेपर के साथ जो है मैचिंग कलर कॉम्बिनेशन में इसको डिजाइन किया हुआ है। वॉशरूम स्पेस है जो पाउडर वॉशरूम है इसका। टीवी लॉन्च की अगर बात करेंगे तो व्यूअर्स, काफ़ी स्पेशियस जो है इसका टीवी लॉन्च का साइज है, ये आप देख सकते हैं। वॉलपेपर के साथ जो है इसकी जो थीम वॉल है उसको डिज़ाइन किया हुआ है। सीलिंग पे वुडन वर्क आप देख सकते हैं। प्लस सामने जो इसकी मीडिया वॉल है उसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं ट्रेवर्टाइन मार्बल का इस्तेमाल हुआ हुआ है। राइट साइड पर जो है इसकी विंडो, जो उसकी साइड गैलरी से जो इसकी एक्सेस है
अच्छा तो व्यूअर्स मूव करते हैं इसके बेडरूम्स की तरफ। ये आप देख सकते हैं ये जो इसका लॉबी एरिया है, यहाँ पे जो है इसके सारे जो है बेडरूम्स जो है कनेक्ट कर रही हैं। ये बेडरूम मैंने आपको पीछे दिखाया, प्लस ये आप देख सकते हैं फर्स्ट बेडरूम जो इसमें टाइल का सेम कलर कॉम्बिनेशन में यूज हुआ है वुडन टेक्सचर में। वॉलपेपर आप देख सकते हैं, कवर्ड एरिया इसका, वॉशरूम, एक्सेसरीज जो है वो इम्पोर्टेड अच्छी एक्सेसरीज जो है वॉशरूम्स में यूज हुई हुई हैं। बिल्कुल ऑपोजिट ही अगर आप बात करें तो सेम टाइल्स के साथ सेकंड बेडरूम है। इसका कपड़ एरिया, वॉशरूम, फर्दर मूव करेंगे इसकी गैलरी में ही तो आप देख सकते हैं ऑपोजिट इसके राइट लेफ्ट पे टू बेडरूम्स। ये आप देख सकते हैं इसका जो थर्ड बेडरूम है, सेम स्टाइल में जो है टाइल का यूज हुआ हुआ है इसका। यहाँ से जो है बैक गैलरी एरिया की जिसकी एक्सेस आप देख सकते हैं इसकी लॉबी से, मेन डोर है जो राइट साइड पे, इसका जो है कबर्ड एरिया, वॉशरूम, फाइनल जो बेडरूम है उसका उसकी तरफ मूव करेंगे। बेडरूम का जो साइज है ऑलमोस्ट हर कमरे का सेम साइज है। कबर्ड एरिया, बताता चलूँ कि हर बेडरूम में आप देख सकते हैं इसके एग्जॉस्ट प्लस विंडो की जो वेंटिलेशन के लिए अवेलेबिलिटी है, प्लस इसका जो मैं आपको बैक गैलरी एरिया है उसकी जो एक्सेस है वो इसके इस बैक डोर से दी हुई है। इसका राइट साइड पे जो है वो लॉन्ड्री एरिया बना हुआ है, प्लस साइड गैलरी में जो एक स्टोर की भी अवेलेबिलिटी है। अच्छा तो व्यूअर्स टोटल विजिट था इसके ग्राउंड फ्लोर का, मैं आपको एक दोबारा गाइड कर देता हूँ। ये लॉबी में जो है चार बेडरूम्स की जो अवेलेबिलिटी है मैंने आपको विजिट करवा दी है। ये जो डोर है, ये जो साइड डोर्स हैं इसके लॉबी के, ये ओपन भी हो जाएंगे अगर आपने कोई बड़ा सामान को गुजारना है तो। किचन की तरफ मूव करते हैं, सेम जो है टाइल्स का यूज हुआ है किचन में इसकी, प्लस बिल्कुल मिडल में जो है इसका ये जो ऑटोमेटिक हुड है, साइड गैलरी टुवर्ड्स ये डोर जिसकी एक्सेस है, अभी जो है इसकी जो डोर्स पे आप देख सकते हैं कबर्ड्स में जो है इसकी शीट्स लगी हुई हैं ऑफ वाइट कलर में, वैसे इसका डिजाइन है। और बिल्कुल राइट साइड पे जो है इसका डर्टी किचन, जो डीसी किचन होता है इसका, इसमें भी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हुड सिस्टम इंस्टॉल्ड है, प्लस वेंटिलेशन के लिए विंडो और एग्जॉस्ट भी आप उधर इंस्टॉल कर सकते हैं। जो ग्रीसी किचन है इसका, इसकी भी जो आप देख सकते हैं डोर यहाँ से इसकी एक्सेस बाहर साइड गैलरी से भी है इसकी। अच्छा तो व्यूअर्स अगर आप इस बेडरूम को भी अगर आप इंक्लूड कर दें तो टोटल ग्राउंड फ्लोर में आप देख सकते हैं इसमें 5 बेडरूम्स की अवेलेबिलिटी है। एक ये बेडरूम हो गया, प्लस सामने गैलरी में आपको 4 बेंच जैसे कि बेडरूम्स का जो विजिट करवाया है, तो टोटल इन टोटल 5 बेडरूम्स हो गए इसके ग्राउंड फ्लोर पे। और ये जो है इसका ड्राइंग रूम है, उम्मीद करता हूँ कि इसका जो ग्राउंड फ्लोर है आपको पसंद आया होगा। मूव करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, ये आप देख सकते हैं जिसकी एंट्रेंस साइड गैलरी से भी है और जो उसका ग्राउंड फ्लोर है वहां से भी इसकी एक्सेस है।
सवा कनाल के जो है प्लॉट पे घर को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। 9 बेडरूम प्रॉपर डबल यूनिट हाउस है ये, भेरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी इसकी लोकेशन है। एंटर होते साथ ही व्यूअर्स बिल्कुल राइट साइड पे जो है इसका टेरेस एरिया, मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके टेरेस पे कमर्शियल की, मॉस की, पार्क की जो एक्सेस है बिल्कुल घर से नियर बाय पे है। और जीटी रोड से जो है टोटल 10-12 मिनट्स की ड्राइव पे जो है घर है ये, मेन जीटी रोड से। एंटर होते साथ ही राइट साइड पे जो है इसका टेरेस है। ये ड्राइंग रूम एरिया सेम एज ग्राउंड फ्लोर जो है इसको डिजाइन किया हुआ है, सेम टाइल का यूज हुआ है। ये जो विंडो है जो इसके टेरेस को रिप्रेजेंट कर रही है फ्रंट एलिवेशन को। फर्दर आगे मूव करेंगे प्लस ये आप देख सकते हैं इसका जो डाइनिंग एरिया, ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं इसमें वॉशरूम की भी जो अवेलेबिलिटी है, इसलिए आप इसको जो है बेडरूम भी कंसिडर कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में। सेम टीवी लॉन्च स्टाइल है, सेम साइज है, सेम सीलिंग के साथ आप देख सकते हैं, वॉलपेपर भी सेम है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है घर का, फर्स्ट फ्लोर का भी सेम मीडिया वॉल सेम थीम के साथ जो है डिज़ाइन की हुई है। राइट साइड पर जो है इसकी ओपन विंडो है गैलरी के साथ, लेफ्ट पे आप देख सकते हैं उसी स्टाइल में जो है किचन को डिज़ाइन किया हुआ है। मैं वंस अगेन बताता चलूँ कि जो इसकी कबर्ड्स पे भी जो है शीट्स से इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। वैसे आप देख सकते हैं ऑफ वाइट कलर में जो है इसके घर के मैचिंग कलर कॉम्बिनेशन के साथ इनको डिज़ाइन किया हुआ है। ऋषि किचन की तरफ मूव करेंगे, साइड पे मैं आपको दिखा दूं, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे जो है इसकी साइड गैलरी थी, वैसे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे भी जो है इसकी काफी जो है स्पेशियस एरिया है। यहाँ पे अगर अपना कोई फ्रिज या कोई डीप फ्रीजर रखना चाहें डबल फ्रिज की भी काफी जो स्पेशियस जगह है यहाँ पे। इसकी हाइट आप देख सकते हैं, यहाँ से भी इसकी विंडो की भी अवेलेबिलिटी है प्लस वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट और विंडो दोनों की आप देख सकते हैं इसमें इंस्टॉल करने की जो है जगह वो अवेलेबल है। सेम स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं बिल्कुल लेफ्ट साइड पे सामने इसकी मेन जो हॉल है जो लॉबी एरिया है इसका, जिसके राइट लेफ्ट पे जो बकाया है इसके जो 4 बेडरूम्स हैं फर्स्ट फ्लोर के, मैं आपको वन बाय वन का विजिट करवा दूंगा। लास्ट 2 बेडरूम्स की तरफ हम मूव करेंगे, ये आप देख सकते हैं इसकी जो थीम वॉल है उसको खूबसूरत सीलिंग के साथ आप देख सकते हैं इसको डिजाइन किया हुआ है वार्म लाइट के साथ। राइट साइड पे जो है इसका कबर्ड एरिया, लास्ट बेडरूम। अच्छा व्यूअर्स, ये जो वॉलपेपर है आप इसको रिमूव करवा के इसको सिंपल भी रख सकते हैं या अपनी मर्जी से भी आप इसमें जो है वॉलपेपर जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लस लाइट्स में भी सेम ऑप्शन है, अपनी मर्जी से आप लाइट्स जो है इस पर रख सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहें लाइट्स को।
उम्मीद करता हूँ कि जो फर्स्ट फ्लोर का जो इसका एरिया है वो आपको पसंद आया होगा। मैं जो उसकी बैक पे लॉबी है इसकी, मैं आपको विजिट करवा देता हूँ। बैक पे आप देख सकते हैं इसके घर बना हुआ है। ये जो 2 से 3 फुट की जो लॉबी एरिया है इसका, जो इसे कनेक्ट कर रही है फ्रंट बैक से और साइड से जो इसके फर्स्ट फ्लोर को, जिस तरह इसका फर्स्ट फ्लोर पे जो ग्राउंड फ्लोर पे जो है साइड गैलरी एरिया है, मूव करेंगे इसके रूफ टॉप की तरफ। 9 बेडरूम हाउस है ये, एक बड़ी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट हो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। लोकेशन भी घर की बहुत अच्छी है, आप कह लें कि जीटी रोड से बहुत नियर बाय पे 10 to 12 मिनट्स की ड्राइव पे जीटी रोड से ये मेन लोकेशन है इसकी, बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी। रिपीट कर दूँ, घर से जो पार्क की मॉस की जो एक्सेस है वो बिल्कुल करीब है। ये आप देख सकते हैं इसका जो रूफ टॉप का हाइट व्यू है। वाटर टैंक एरिया आ गया इसका। व्यूअर्स, अच्छी बात यह है कि घर जो है किसी ये बिल्डर ने नहीं बनाया, ये एक एंड यूजर ने बनाया घर। रूफ टॉप पे आप देख सकते हैं इसका सर्वेंट क्वार्टर एरिया, प्लस जो वॉशरूम की जो अवेलेबिलिटी है। उम्मीद करता हूँ कि ये 9 बेडरूम हाउस जो है जिसका साइज है 1.25 कनाल आपको पसंद आया होगा। वंस अगेन रिपीट कर दूँ, इसकी जो लोकेशन है बहरिया टाउन फेज 8 रावलपिंडी, 24 से 25 मरले के प्लॉट पे इस घर को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। मूव करेंगे, इसकी प्राइस जो इसकी डिमांड है वो है 7 करोड़ रुपये इसकी आसिंग प्राइस है। इसमें नेगोशिएशन हो जाएगी, मैं रिपीट कर दूँ, 7 करोड़ रुपये इसकी आस्किंग प्राइस है, इसमें नेगोशिएशन हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं आप अगर ये घर विज़िट करना चाहते हैं। इसके अलावा और भी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करनी है ऑलरेडी, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है आप उसकी असेसमेंट जानना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट रेट, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात कर सकते हैं। घर की जो डिमांड है 7 करोड़ रुपये, इसमें नेगोशिएशन हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं। उम्मीद करता हूँ कि 9 बेडरूम हाउस डबल यूनिट आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।